दोनों पहलवानों से निवेदन है, दोनों जब कुत्ता टच होगा सीटी मारेंगे तभी पहलवान छोड़ेंगे, अपने छोड़ के भागेंगे नहीं। अरे फरी साहब का कहना है एक बार दोनों बराबर सबका चलिए, एक लग गया एक बाकी है तो नहीं माना जाएगा। समय बर्बाद नहीं भाई, आप लोग घबराइए नहीं, कुश्ती हो रही है, एक गदा की कुश्ती है, इसमें जो जीतेगा वो गदा ले जाएगा। ये पहलवान लड़ते लड़ते मर जा रहे हैं, आ कुछ लोग बैठे हैं उनका कहना ये नौटंकी हो रहा है, पहलवानों से पूछो क्या हो रहा है, लड़ने वाले को जान जा रहा है। और ये जो आप लोगों के देखने को मिल रहा है, हमको तो समय नहीं था मगर ये गोपेंद्र यादव जी और वार्ड नंबर एक वार्ड नंबर के अध्यक्ष साहब के कहना है कि हमारे यहाँ पर जग हुआ और हम वहाँ दंगल कराना चाहते हैं और कुश्ती करा के जनता को दिखाना चाहते हैं, और हमारे इस क्षेत्र में जब हम छोटे थे, गोपेंद्र यादव के कहना था कि जब हम छोटे थे तो हमारे क्षेत्र में बहुत से ज्यादा पहलवान थे, नंदू पहलवान थे और बहुत बहुत पहलवान थे, जनक पहलवान थे, बहुत सारे पहलवान थे, और आज इस जिला में एक छोटा सा बच्चा अगर खड़ा हो जा रहा है तो कोई लड़ने वाला पहलवान हमारे पूरे जिला में नहीं दिखाई पड़ रहा, और इस बात को हम मान रहे हैं कि आज जब हम कल भी आए आज भी आए, छोटे छोटे बच्चे अखाड़े पर हमने चढ़ाया, हमने बोला कि कोई भी क्षेत्रीय पहलवान लड़ना चाहता है तो इस बच्चे से लड़ सकता है, मगर उन छोटे पहलवानों के जोड़ में इस जिला में कोई पहलवान नहीं उतरा, इस बात को हम मानते हैं। गोपेंद्र यादव जी के कहना है कि हम यहाँ के वार्ड अध्यक्ष, जनता हमारी हमको चुना है, हम यहाँ पर अपने जनता के नौजवान बच्चों के कुश्ती दिखाएंगे, इन पहलवानों के कुश्ती देख करके हमारे नौजवान बच्चे कुश्ती लड़ेंगे, जूड़ो कराटे कबड्डी व्यायाम करेंगे, अपने शरीर को बनाएंगे। पहले तो नहीं था नियम हमारे नेपाल में, मगर हमारे नेपाल में अब नियम हो गया कि जो पहलवान नेशनल में स्वर्ण पदक जीतेगा, हमारे नेपाल सरकार प्रदेश सरकार उस नेशनल के खिलाड़ी को पुलिस में आर्मी में प्रहरी में जो भी विभाग है सरकारी उसमें उसको नौकरी दिलाया जाएगा। हमारे अभी वर्तमान सरकार के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर लिया आपने, और सबसे बड़ा सहयोग किसका है, ये हमारे गोपेंद्र यादव जी का है, इन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए इस कुश्ती को इन्होंने कराया, पूजा पाठ करने के लिए इस धरती पर हमारे महाराज जी को जग करवाया, ये हमारे जो जनता जनार्दन है उन लोगों ने पूजा पाठ किया, अपने को भाग्यशाली माना, जहाँ जग होता है वहाँ 33 करोड़ के आवाहन होता है, महात्मा संत ब्राह्मण लोग करते हैं, हवन पूजा करते हैं, ये धरती धन है और यहाँ के जनता धन है,
कि यहाँ पर बहुत अच्छा जग हुआ, वो देन किसका है, हमारे गोपेंद्र यादव जी के, एक बार इनके नाम पर जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया। और इस समय हमारे क्षेत्र का एक एक हिंदू हो चाहे बीच में अब उसका बात थोड़ी ना, वो फालतू बात नहीं कर गए, ये धर्म के ध्यान कुश्ती में। अच्छा एक बात हमारी सुनिए, फालतू बात नहीं है, ये पहलवान चाहे जितना लड़ते, ये जनता नहीं आती तो मजा आता, इसमें पूरा जनता के सहयोग है कि नहीं, इसमें हर जात का सहयोग है, मुसलमान हिंदू पहाड़ी केवट मल्ला है यादव बाभन ठाकुर सबका सहयोग है इसमें। छोड़े ना आप बात को, छोड़िए रात की बात ले नहीं रहे, पर किसी को नाम किसी को ने क्वेश्चन लगाई ना भाई, नाम राजनीति कुछ नहीं बोलिए, यहाँ पर कुछ राजनीति में इसमें राजनीति जनता आई है, समय राजनीति जनता देख रहा है, कुश्ती आप कुश्ती लड़ाई है, कुश्ती लड़ रहा है, जनता देख रहा है कुश्ती। इसे ज्यादा बकवास नहीं कीजिए, चलिए कुश्ती का समय, सात मिनट, पांच मिनट बीत गया, दस मिनट बाकी, पांच मिनट बीत गया, दस मिनट बाकी, खुश करो जवानों, अभी 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट सात मिनट बीत गए, 8 मिनट बाकी, माटी फोड़ते रहिए, जब पसीना होगा तब माटी फोड़ दिया करो, दोनों पहलवानों के, एक पहलवान के लिए दोनों पहलवानों के ऊपर एक एक कजोरी माटी डालना। अठवा मिनट बीता, सात मिनट पर रहेंगे और राज बहादुर पहलवान, बीच में छोड़ के अंदर छोड़ के, आप लोग हमसे मत कहिए, उधर हुआ अध्यक्ष है उनसे कहिए, भाई कुछ करो पहलवान, कोई दाव मारो, जनता यहाँ ताव देखने आई है। पहलवान बाबा आप भी तैयारी रहिए, और उधर पहलवान है राघव सिंह और दिनेश मनोज पहलवान, राज बहादुर पहलवान, ये भी तैयार हो जा पहलवानों, और अपने लिस्ट में देखे कोई किस्ती बराबर छुटा है, नहीं 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 है, अब सब समाप्त हो चुका, सब यहाँ पर सब चुनाव लगे, ये कुंभ तो है मानना है, बाकी चलिए बाबा प्रहलाद बाबा को और राघव सिंह राजस्थान को आप, उसके बाद बीत गया, 6 मिनट बाकी, घड़ी देखते रहिएगा, 6 मिनट कुश्ती और उसके बाद जो समिति, जो कमेटी, जो जनरल कमेटी चाहेगी,
पीछे बीच में उधर हनुमान जी की तरफ छोड़ के इधर छोड़ दो पहलवान का छोड़ के बीच में अभी 6 मिनट बाकी है चलिए अभी 5 मिनट बाकी है 5 मिनट बाकी है अब बाबा तैयारी हो जाइए बाबा बाबा राधा सिंह की तैयारी होकर बैठिए उसका सामना खत्म हो गया उस पर की बंगली का पैंट मिल जाएगा।
अभी जो कुश्ती हो रही है वो बच गया। नहीं 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 नहीं, कोई परिवार के नहीं। पॉइंट किसका? एक पॉइंट अभी इसका हुआ, दो पॉइंट जितेंद्र पहलवान को, एक पॉइंट रोहित पहलवान को। सुनिए पहलवान, हम किसी के पक्ष में नहीं है, सुनिए सुनिए, हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, जो रेफरी कहेगा वही बोलेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा, कुछ भी अगर बोल रहे हैं जनता के फेवर में तो हमारे बात को एक पॉइंट, रोहित पहलवान दिल्ली को एक पॉइंट और जितेंद्र पहलवान को दो पॉइंट। कुश्ती का समय कितना? 3 मिनट दिया गया, कितना बीता? 1.5 मिनट बीत गया, 1.5 मिनट बाकी। इन दोनों पहलवानों के माता पिता धन है नाम पर उनके जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इस कुश्ती में तय नहीं है सीना कौन फाड़ेगा, हम लोगों के देखना पटक के सीने पर चढ़ के कौन पहलवान गदा जीत के लेकर जाएगा। इस कुश्ती में ना किसी का नजर बुरी, ना किसी का मुंह काला। इस कुश्ती में होगा जो चाहेगा ऊपर वाला, किसी के चाहने से कुछ नहीं है। दोनों पहलवान देखे, इस गांव का नाम था, देखे दो पॉइंट और एक पॉइंट इधर, दो पॉइंट इधर। इस ऊपर वाले के कितना हुआ? उसका 4 पहलवान, इनका 2 पॉइंट। समय दिया गया, नहीं इनके पैर में चोट लग गया है, समय दिया गया 3 मिनट, समय समाप्त हो गया। रेफरी है हमारे भाई सर के कहना समय समाप्त। उस पहलवान के 4 पॉइंट, इस पहलवान के 2 पॉइंट। इस कुश्ती में इस पहलवान किसको जीत लेगा? हाँ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। इस पहलवान के पैर में चोट आ गया। अभी देखिए दोनों पहलवान के कुश्ती में, सुनिए, 15 पहलवान के 2 पॉइंट दिया। अब इस कुश्ती में रेफरी साहब इशारा कर रहे हैं, इस पहलवान को विजयी है जितेंद्र पहलवान को। ये गदा के हकदार जितेंद्र पहलवान है, एक बार जितेंद्र पहलवान के नाम पर जोरदार ताली से संग। पहलवान दो दो पॉइंट लाया, उसलिए हम पॉइंट दिए। एमके प्रोडक्शन के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे। एमके प्रोडक्शन के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे।